तो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी के इलेक्ट्रिकल खजाने में। डियर फ्रेंड, आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, मैंने शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था और मैं सबको बोला था कि बहुत ही जल्द इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। यूपी मेट्रो, यूपी एमआरसी, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। इस नोटिफिकेशन में आपका कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम डेट, सारी चीज़ें मेंशन है। एक तरफ से हम डिस्कस करेंगे, बस आप लोग वीडियो बने रहिए और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे भी आप सबको ढेरों सारे टेक्निकल वैकेंसियों के इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आप सबके सामने 13/3/2024 डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन 13/3/2024 का नोटिफिकेशन आउट हो गया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, आप सबका फॉर्म देखिए कब से भरा जा रहा है, 20/3/2024, यही आने वाला 20, मतलब 20 मार्च से ही फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। और अप्लीकेशन फीस टू बी पेड सबमिट, आप 20 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल तक के फॉर्म भर पाएंगे, 20/3/2024 टू 19/4/2024। उसके बाद आप सब अपना एडमिट कार्ड देखिए कब डाउनलोड कर पाएंगे, 30/4/2024 को आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं प्रिपरेशन करने के लिए, मैक्स टू मैक्स 1 मंथ 10 दिन यही समय है आपके पास। और एग्ज़ाम डेट भी देखिए दे दिया है अभी, 11/5/2024, 12/5/2024, 14/5/2024 को आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। मतलब सोच रहे हैं यही 20 तारीख से फॉर्म भराना स्टार्ट हो रहा है, 20 मार्च से 20 अप्रैल तक, मतलब समझिए फॉर्म भरा जाएगा मतलब 19 अप्रैल तक। उसके बाद अगले 10 दिनों के बाद 30 तारीख को ही आप सबका एडमिट कार्ड आउट हो जाएगा और 11, 12 और 14 को आप सबका परीक्षा भी हो जाएगा, 11, 12, 14 मई को। आगे देखिए अब वैकेंसी कितनी आई है। वैकेंसी देखिए फ्रेंड बहुत अच्छी आई है। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की 11 पोस्ट है। सैलरी देखिए इनका 50,000 से लेकर के 1,60,000 जाएगी। जहाँ पर बी बी टेक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अप्लीकेबल हैं। 21 साल से लेकर के 28 साल के उम्मीदवार इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंस मैनेजर की, यहाँ पे इनकी 6 वैकेंसी है। असिस्टेंस मैनेजर ऑपरेशन की 3 वैकेंसी है, असिस्टेंस मैनेजर आईटी की 3 वैकेंसी है, असिस्टेंस मैनेजर अकाउंट की 4 वैकेंसी है, असिस्टेंस मैनेजर आर्किटेक्ट की 1 वैकेंसी है, असिस्टेंस मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स की 2 वैकेंसी है, असिस्टेंस मैनेजर पब्लिक रिलेशन की 1 वैकेंसी है, असिस्टेंस कंपनी सेक्रेटरी की 1 वैकेंसी है। अब देखिए बात करते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, 88 पोस्ट है। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी पोस्ट है यार, 33,000 से सैलरी स्टार्ट होगी और 67,300 तक सैलरी जाएगी आप सभी की। यूआर की 30 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 13 वैकेंसी, ओबीसी की 25 वैकेंसी, एससी की 18 वैकेंसी, एसटी की 2 वैकेंसी, वुमेन की मतलब लड़कियों के लिए 12-17 वैकेंसी, एक्स सर्विसमैन की 4 वैकेंसी, डीएफएफ की 1 वैकेंसी, टोटल 88 पोस्ट है। 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल से या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, दो ही स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपके जो मिनिमम मार्क्स होने चाहिए डिप्लोमा में वो 60% होने चाहिए। 21 से लेकर के 28 साल के उम्मीदवार इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं लगेगा। इसी से कैसे जूनियर इंजीनियर एसएनटी की 44 वैकेंसी है, जहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक वाले भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन वाले भी भर सकते हैं इस फॉर्म को। इसी से कैसे स्टेशन कंट्रोलर कम टेक्नीशियन ऑपरेटर SCTO की 155 वैकेंसी, देख रहे हैं यार कितनी गजब वैकेंसी है। UR की 52 वैकेंसी, EWS की 12 वैकेंसी, OBC की 52 वैकेंसी, SC की 34 वैकेंसी, ST की 5 वैकेंसी, वुमेन की 31 वैकेंसी, एक्स सर्विसमैन की 5-7 वैकेंसी, DFF की 3 वैकेंसी। इसमें देखिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट। मतलब इलेक्ट्रिकल वाले के लिए समझिए इस वैकेंसी प्रकार से बाहर आया, क्यों, क्योंकि 155 पोस्ट यहाँ पे है स्टेशन कंट्रोलर कम टेक्नीशियन ऑपरेशन में। इसमें भी सैलरी सेम है, 33,000 से लेकर के 67,300, समझो सेम वैकेंसी। और एलिजिबिलिटी देखिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रिकल भरिए या तो इलेक्ट्रॉनिक वाले भरिए या तो इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया सेम है, 60% होना चाहिए आपके रिजल्ट में। और ये ऊपर की वैकेंसी 88 पोस्ट ये, उसके बाद 155 पोस्ट ये, यार इससे अच्छी वैकेंसी आप कहाँ पाएंगे। मेरे हिसाब से तो इलेक्ट्रिकल के लिए प्रकार देखा जाए तो बाहर आ गई है। आगे देखिए अकाउंट असिस्टेंस की 8 वैकेंसी, ऑफिसर असिस्टेंस की 4 वैकेंसी, पब्लिक रिलेशन असिस्टेंस की 4 वैकेंसी। इसी से कैसे मेंटेनर इलेक्ट्रिकल की, लो इलेक्ट्रिकल की 1 वैकेंसी और, जहाँ पे ITI स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 19,500 से लेकर के 39,900 वैकेंसी है, सॉरी रुपये मिलेगा। 78 वैकेंसी जिसमें UR की 24 वैकेंसी, EWS की 13 वैकेंसी, OBC की 21 वैकेंसी, ST की SC की 19 वैकेंसी, ST की 1 वैकेंसी, वुमेन की 15 वैकेंसी, एक्स सर्विसमैन की 3 वैकेंसी और DFF की 1 वैकेंसी। जहाँ पे ITI चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड से चाहिए और 60% मार्क आपका होना चाहिए और आपकी यूनिवर्सिटी या फिर आप ITI जब किए हों तो उसमें आप सबका EWS OBC कैंडिडेट है तो 50% मार्क, सॉरी EWS OBC कैंडिडेट है 60% और अगर आप SC ST हैं तो 50% मार्क्स होना चाहिए। 21 से लेकर के 28 साल के उम्मीदवार इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और लास्ट में मेंटेनर SNT की 26 वैकेंसी, यार वैकेंसी बहुत है मेरे हिसाब से, खासकर इलेक्ट्रिकल वाले के लिए।
तो क्वालिफिकेशन तो आप समझ चुके होंगे, साइड में मैंने साथ साथ क्वालिफिकेशन डिस्कस करते हुए आगे बढ़े हैं, तो जॉब प्रोफाइल आप जान ही रहे होंगे। चलिए इंटरडेट वगैरह बातें हमने कर ही लिया है, सिलेक्शन प्रोसेस पर बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस देखिए क्या होगा कि पहले आप सबका एग्जाम होगा सीबीटी मोड में, तो इसमें आप सबका पहले सीबीटी मोड में एग्जाम होगा। जो भी स्टूडेंट सीबीटी मोड क्वालिफाइड करेंगे उन सभी को वन बाई वन रिसीव्यू में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आप सबका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। रिटर्न टेस्ट में देखिए क्या होगा, मतलब सीबीटी मोड में आप सबको यहाँ पे पोस्ट कोड 1 से लेकर के पोस्ट कोड 9 के लिए 140 क्वेश्चन रहेंगे, और पोस्ट कोड 7 से लेकर के पोस्ट कोड 8 तक 100 क्वेश्चन रहेंगे। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी, वो भी 1/3 रहेगी। पेपर में आप सबको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर काफ़ी अवेलेबल है, आपके सिटी में ही मिल जाएगा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती, सीतापुर, इन जगहों पे आप सबका सेंटर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज में छूट की बात कर लेते हैं, तो अगर आप SC ST OBC हैं तो 5 साल का छूट मिलेगा, सॉरी OBC हैं तो 5 साल का छूट मिलेगा, और अगर आप एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट हैं तो 3 साल अलग से आप सबका इंक्लूड हो जाएगा, मैक्सिमम आप सबके 40 ईयर कर दी जाएगी। और लास्ट फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग पेमेंट एंड एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस, यार मैं यहाँ पे भी ध्यान से देख रहा हूँ, मुझे कुछ अभी दिख नहीं रहा प्रेजेंट टाइम, लेकिन मैं क्लियर होकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा कि आप सबका एप्लीकेशन फीस लग कितना रहा है। हाँ सॉरी फ्रेंड्स, हमें मिल गया, तो आप सबको भी मैं बता देता हूँ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। देखिए, अगर आप UREWS OBC कैंडिडेट हैं तो नॉन रिफंडेबल फीस होगा 1180 रुपया, और इंक्लूड किया जाएगा GST 18%। और अगर आप ST कैंडिडेट हैं तो नॉन रिफंडेबल होगा फीस, और 826 रुपया प्लस इंक्लूड रहेगा 18% GST लगेगा फीस, समझ गए। मतलब अगर आप OBC EWS UR के कैंडिडेट हैं तो 1180 रुपया, और SC ST हैं तो 826 रुपया पे करना पड़ेगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं लगभग सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आगे भी आप सबको ढेरों सारे टेक्निकल वैकेंसियों का इन्फॉर्मेशन और वैकेशन अपडेट सबसे पहले इन्फॉर्मेशन सही से इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।